मंगलवार को विधानसभा का 16वां दिन हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तनातनी देखने को मिली, तो विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। इसी कड़ी में सदन में महिला बाल विकास विभाग से सवाल पूछे गए। सवाल भाजपा की महिला सदस्य भावना बोहरा ने किया, जबकि सवाल मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी दिया। हालांकि भावना के सवालों पर मंत्री राजवाड़े कुछ देर के लिए असहज नजर आए। इस बीच स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने मोर्चा संभाला और सदस्य को और अधिक सवाल करने से रोका। परियोजनों को समझाने के लिए शिक्षा का मापदंड क्या तय किया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए? कार्यकर्ताओं के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वैसे आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता के लिए 12वीं क्लास, और अगर उस गांव में 12वीं क्लास की कोई महिला नहीं है तो फिर 10वीं क्लास तक की महिलाओं को भी लिया जाता है। चलिए, 12वीं या 10वीं। मुझे जिसमें मेरा प्रश्न ये कि लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या जो कम होती जा रही है, तो क्या वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा जो केंद्र संचालित हैं उसके अलावा भी उनकी रिपोर्टिंग परियोजना अधिकारी के अलावा क्या हायर अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है? क्योंकि जैसे आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है वो काफी चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उनका कहना जायज है और मैं मानती हूँ कि जहाँ तक हम 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है और कहीं ना कहीं अच्छा ये बता दें कि पिछले बार जो वहाँ की रिपोर्ट आई थी वो आपके अधिकारियों ने आपके विभाग के द्वारा हायर जो अथॉरिटी उनके द्वारा पिछला जो रिपोर्ट आंगनबाड़ी केंद्रों का जो छत्तीसगढ़ में संचालित है पिछली बार कब लिया गया था जानकारी? एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जी का रिपोर्ट कब लिया गया था? क्या सवाल में क्या बार आंगनबाड़ी केंद्र जितने भी छत्तीसगढ़ में संचालित हैं उनकी जो रिपोर्ट है बच्चों की, चाहे वो कुपोषण से संबंधित हो, आहार से संबंधित हो, उनके डेवलपमेंट से संबंधित हो या प्रोटीन आहार देने के विषय में हो, पिछले बार परियोजना अधिकारी के अलावा क्या छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संबंधित विभाग के द्वारा उनकी रिपोर्ट या उनका सर्वे कब किया गया था, भौतिक सर्वे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जहाँ तक आंगनबाड़ी की बात हो, उनके पोषण आहार की बात हो, चाहे और विशेष की बात हो, तो ये प्रतिदिन इसका रिपोर्ट लेते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष, प्रतिदिन प्रदेश में रिपोर्ट जाती है जी। चलिए राजेश मूढ़ जी, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी महोदय जी, लगातार ये विषय क्षेत्र में भी आ रहे हैं कि आंगन रेडी टू ईट का काम वापस से स्व सहायता समूह की बहनों को या आंगनबाड़ी में दिया जाएगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या कोई विशेष तिथि तय की गई है कि इस तिथि के द्वारा, इस तिथि के बाद हम वो काम एसएचजी ग्रुप को देंगे रेडी टू ईट वाला, और उसकी प्रक्रिया क्या होगी अगर समूह, क्योंकि लाखों की संख्या में है तो समूह जिसको हम प्राथमिकता देंगे, हमारी प्राथमिकता क्या होगी उन समूहों को लेकर के जिनको हम रेडी टू ईट का काम देने वाले हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सवाल पिछले बार भी आया था तो मैं अपने जवाब में दी थी कि जहाँ तक रेडी टू ईट की बात हो तो रेडी टू ईट स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देने वाला जो काम बात मैंने कही थी, तो युक्तायुक्त निर्णय लिया जा रहा है इस पे, और जो आगे की कार्रवाई होगी वो आपस में डिस्कस करके अधिकारियों के माध्यम से। महोदय जी, मैं इसमें विषय लेना चाहूंगी, ये बहुत गंभीर विषय है और लगातार क्षेत्र में विषय आता है। जब जवाब मंत्री जी का, महोदय जी का आया था, उसको लगभग 10 से 15 दिन होने आगे, अगर वही जवाब 15 दिन के बाद भी मिलेगा तो फिर आगे की वस्तुस्थिति क्या रहेगी? कृपया उस पे या तो डेट बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी सत्र चल रहे हैं, सत्र जैसे ही खत्म होते हैं अधिकारियों के बीच बैठक लेके इसकी आगे की प्रक्रिया चालू की जाएगी। चलिए, सत्र के बाद निर्णय लेंगे। राजेश मूढ़ जी, क्राइटेरिया प्रावधान क्या हो गया? बहुत प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय,